जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सक्रेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एन सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स ए बी सी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का नया थॉट्स है कि इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, सो प्लीज़ टेक अ लुक इन द मिरर। अगर आप अपने जीवन में उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपका जीवन बदल देगा, तो अपने आप को आईने में देख लीजिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर के इतिहास के बारे में, उसके विकास के बारे में, क्या क्या उद्देश्य हैं, उसका झंडा कैसा होता है, राष्ट्रीय गान क्या, राष्ट्रीय एनसीसी में उसका संगठन क्या है, प्रशासनिक संरचना कैसा है, और स्कूल कॉलेजों में एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, और एनसीसी में कौन कौन से रैंक होते हैं, क्या सम्मान और पुरस्कार मिलते हैं, और प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, और एनसीसी में कौन कौन से कैंप और परीक्षाएँ और प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति क्या होती है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, एनसीसी को हमें राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जानते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, और इस स्वैच्छिक रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए खोला गया है। इसकी स्थापना 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत बनाया गया है, और इसका संबंध भारत के तीनों सेनाओं से, जैसे थल सेना, वायुसेना तथा जल सेना। देखिए, अब आगे एनसीसी का इतिहास देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1942 में अंग्रेजों द्वारा क्या है, विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक मानक सही पे खतरा नहीं उतरा, और जब जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 में भारत सरकार द्वारा पंडित एनएच कुंजू पंडित एनएच कुजरू की अध्यक्षता में एक समिति ने क्या है एनसीसी कैडेट संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में स्थापना करने की सिफारिश की, और 15 जुलाई 1948 को क्या हुआ, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। अब देखिए, एनसीसी का फ्लैग देखते हैं फ्रेंड्स कैसा होता है। ये एनसीसी का फ्लैग है, देख सकते हैं, इसमें उसके नीचे एकता और अनुशासन लिखा रहता है। तो देखिए, एनसीसी के झंडों को देखिए 1954 में डिजाइन किया गया था, और इसमें तीनों रंगों का प्रयोग वर्टिकल रूप में प्रयोग किया गया। इसके बीच पत्तियों का वृत्त बनाया है, जिसके बीच में एनसीसी लिखा रहता है। झंडे के ठीक नीचे क्या है टैगलाइन, मतलब उसके नीचे क्या लिखता है, एकता और अनुशासन लिखा रहता है। उसको देखिए, एनसीसी दिवस देखिए, हर साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को एनसीसी डे मनाया जाता है। हमसे याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, डिजिटल वर्ल्ड इसके बारे में जानते हैं। एनसीसी स्लोगन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, तो एनसीसी की टैगलाइन के लिए 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 1978 को चर्चा शुरू की गई थी, और एनसीसी के विभिन्न टैगलाइन जैसे कर्तव्य और एकता और अनुशासन, ठीक है, और एकता और अनुशासन जैसे टैगलाइन में एक टैगलाइन का चुनाव करना था। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, इसके बाद में काफ़ी चर्चा के बाद एकता और अनुशासन में क्या हुआ, इसके टैगलाइन चुन लिया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, एनसीसी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र हैं, उनमें विभिन्न, उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी नौकरी में छूट मिलती है। और आगे चलते हैं, एनसीसी द्वारा, ठीक है, ई बी सी के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जो एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के परीक्षाओं के अधिकतम अंकों को 5% का बोनस अंक मिलता है। यानी आप किसी कोई एग्जाम देते हैं उसमें क्या है, जैसे पुलिस हो गया या आर्म फोर्सेज हो गया, उसमें 5% का वो मिलता है। अगर आप जीडी की भर्ती मार रहे हो तो उसमें सीधा आपकी डायरेक्ट भर्ती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब इसके विकास के बारे में बात करते हैं कि कैसे विकास हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय कैडेट को सफल संचालक के लिए, देखिए फ्रेंड्स, सफल संचालक के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर को निदेशालय अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1948 की स्थापना की गई थी। कर्नल जी जी बैबूर सैनिक अधिकारी को उसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया था, जो बाद में क्या जनरल पद से रिटायर हुए थे। और कोर का विस्तार होने पर ये क्या ओहदा बढ़कर 1954 में ब्रिगेडियर तक, 1961 में मेजर तक, और क्या नाम उसके बाद जनरल कर दिया गया था। उसके बाद देखते हैं 1962 में, ठीक है, इस पद का नाम क्या महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट को रखा गया था। मेजर जनरल आर एस पेंड का उसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। 1982 में फिर क्या महानिदेशक का अहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया था। 1950 में कैडेट वायु स्कंद तथा नौसेना स्कंद से जोड़ दिया गया था। इसके अंतर क्या सेवाओं का स्वरूप कर दिया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कि
कनिष्ठ प्रति का भाग मतलब कैडेट्स को प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि वरिष्ठ भाग को कैडेट को सेना के सक्षम अफसरों के भांति प्रशिक्षण दिया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? एनसीसी में सेना की तरह कविच कोर यानी तोपखाना, इंजीनियर, सिग्नल इन्फेंट्री और चिकित्सा कोर की यूनिट संगठित की गई थी। और सन 1949 में क्या स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को क्या सम्मान और अवसर देने के लिए आरंभ किया गया था। एनसीसी के विकास ज्ञान रुचि लेने वाले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश पर क्या 1952 में सामुदायिक विकास का पाठ्यक्रम सम्मिलित करके इसे विस्तृत कर दिया गया था। और 1960 तक देश के स्कूल और कॉलेजों में एनसीसी के लिए मांग बहुत बढ़ गई थी और बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए और संगठन एनसीसी की राइफल की स्थापना की गई। चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था और 1964 में एनसीसी की आर को क्या करता था एनसीसी में मिला दिया गया था। ताकि अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध छात्रों के विरोध तथा कुलपतियों के सुझाव पर 1963 में एनसीसी को फिर से क्या करते हैं स्वैच्छिक कर दिया गया था। जब मतलब कि जब चाइना का हमारा युद्ध हुआ था तो 1963 में क्या कर दिया गया था, ठीक है, इसे वो कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था। उसके बाद वर्ष 1971 में इसके पाठ्यक्रम को में खेल कूद को शामिल कर लिया गया था और वर्ष 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग तथा पोस्टर प्रशिक्षण को शामिल कर लिया गया था। आज एनसीसी के कुल नफरी कितनी 13 लाख से अधिक है। इसको प्रशिक्षित करने हेतु क्या देश में 95 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं और 667 आर्मी विंग यूनिट्स और 60 नेवल विंग यूनिट्स हैं तथा 61 एयर स्क्वाड कार्यरत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का नेटवर्क केंद्र शासित और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की उच्चायुक्त के ले में पश्चिम में कच्छ तथा पूर्व में कोहिमा तक फैला हुआ है। एनसीसी से देश के लगभग कितने 4,560 कॉलेजों और 7,106 स्कूलों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगे चलते फ्रेंड्स, फिर राष्ट्रीय कैडेट के फ्लैग के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट का फ्लैग कैसा होता है, पहले राष्ट्रीय कैडेट का एम्स देख लेते हैं। तो देश के युवाओं में चरित्र, साक्षर, अनुशासन और नेतृत्व की और धर्म शिक्षा, रोमांच और स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा का संचार करना, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना और देश की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना, सशस्त्र सेनाओं में जीविकाएं करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। एनसीसी का ध्येय क्या है, एकता अनुशासन यानी मोटो ऑफ एनसीसी का यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अनुशासन की विशेषताएं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डिनल्स ऑफ एनसीसी डिसिप्लिन, मुस्कुराते हुए आगे का पालन करो, बॉय विथ स्माइल, समय के पाबंद रहो, बी पंचुअल, बी संकोच, कठोर परिश्रम करो, वर्क हार्ड विथ आउट आउट फोर्सेस, बहाने ना बनाओ और झूठ मत बोलना, मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाई। उसके बाद क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए शपथ जो लेते हैं। आगे चलते फ्रेंड, देखिए एनसीसी के उसके बारे में देखते हैं, झंडे के बारे में कैसा होता है उसका झंडा। देखिए तो एनसीसी का एक अंतर सेवा संगठन है, इसलिए इसका एक झंडा 3 रंगों की न समान खड़ी पट्टियों में बटा होता है। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी में गहरी नीले रंग की पट्टी तथा नीचे आसमानी रंग की पट्टी होती है, जो कि जैसे सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतीक है। झंडे के बीच में 16 पंखुड़ियों का एक चक्र है जो 16 निर्देशालों का प्रतीक है। इसके चक्र के बीच में एनसीसी सब लिखा है, जिनके हिंदी भाषा में एनसीसी आदर्श वाक्य एकता तथा अनुशासन लिखा हुआ है। आगे चलते फ्रेंड्स, अगर उसके अब देखिए एनसीसी संगठनात्मक रचना देखते हैं क्या होती है। देखिए एनसीसी कंपनी संगठनात्मक रचना, एक सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में, ठीक है, 160 या 124 प्लस 36 कैडेट्स होते हैं। कंपनी में एक सीनियर अंडर ऑफिसर, 3 अंडर ऑफिसर, 5 सर्जेंट और एक एससीएम और एक केसीएम के यूएमकेएम और 3 सर्जेंट, 9 कॉर्पोरल तथा 18 लांस कॉर्पोरल के पद होते हैं। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक का एएनओ होते हैं। जूनियर डिवीजन में एक ग्रुप ट्रूप्स में 100 कैडेट्स होते हैं और ट्रूप कमांडर थर्ड ऑफिसर से लेकर चीफ कमिश्नर रैंक के एनओ होते हैं। जब कैडेट्स में लॉस कॉर्पस और ट्रूप सर्जेंट के पद भी होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अभी देखते हैं एनसीसी में सम्मान और पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार की शुरुआत 1984 में की गई थी और ये पुरस्कार एनसीसी के पूर्णकालीन ऑफिसर, एएनओ, अंडर ऑफिसर, स्काउट और एनसीसी कैडेट लड़के या लड़कियों को देने के लिए पुरस्कार दिया गया। पहला क्या पुरस्कार देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री पदक। ये पदक वर्ष 1989 से रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। उसके बाद रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, ये प्रशंसा पत्र 1989 से रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। उसके बाद रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, इस रक्षा सचिव द्वारा वर्ष 1984 से देना शुरू किया गया था। महानिदेशक प्रशंसा पत्र, ये DGNCC के द्वारा 1984 से दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, आगे चलते हैं। ये पदक उच्च कोटि का साहस, कर्तव्य और प्राण के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, सराहनीय कार्यों के लिए और ऐसा कार्य जिसे एनसीसी का नाम रोशन हो, व्यक्ति के विशेष के प्रदान किया जाता है। इन पदकों में रक्षा मंत्री सबसे बड़ा पदक है। केवल एक रक्षा मंत्री पदक तथा एक रक्षा मंत्री प्रशंसा पदक
प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये सभी पदक एनसीसी दिवस पर प्रतिवर्ष घोषित किए जाते हैं तथा माननीय रक्षा मंत्री द्वारा आरडी कैंप दिल्ली में प्रदत्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ कैडेट को विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यपाल गोल्ड मेडल, राज्यपाल सिल्वर मेडल और मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल तथा मुख्यमंत्री सिल्वर मेडल तथा नगद धनराशि प्रदान की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, और एनसीसी की ट्रेनिंग में एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण हेतु 3 डिवीजन में बांटा गया। सीनियर डिवीजन, देखिए इस 2 डिवीजन में बांटा गया वैसे, ठीक है। ये सीनियर डिवीजन, इसमें कॉलेज और विद्यालयों के 15 से 26 वर्ष आयु वाले छात्र प्रशिक्षण लेते हैं। ये प्रशिक्षण 3 वर्ष का होता है और सीनियर डिवीजन को 3 स्कंद में बांटा गया, सेना स्कंद, नौसेना स्कंद और वायुसेना स्कंद। एनसीसी थल सेना स्कंद में थल सेना के भांति यूनिटें होती हैं। अच्छा, आर्मर्ड आर्टिलरी इन्फेंट्री इंजीनियर सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल ऑफिसर और ट्रेनिंग यूनिट्स। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। जो जूनियर डिवीजन, देखिए 13 से 16 साल, ठीक है, इसमें 102 वर्ष का कैंप होता है, जैसे दो जैसे ए सर्टिफिकेट वाले में होते हैं। फिर उसका गर्ल डिवीजन है, सेम ऐसे 15 से 26 साल होता है, 3 साल की एनसीसी होती है। आगे चलते हैं संस्थागत प्रशिक्षण, इसमें इसमें क्या थल सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित बुनियादी स्कूलों और कॉलेजों में क्या एनसीसी दिया जाता है। शिविर प्रशिक्षण, मतलब कि आपके एनसीसी कैंप लगाए जाते हैं। कौन कौन से कैंप लगते हैं देखिए एनसीसी के, तो एटीसी होते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसके बाद एसएससी यानी सोशल सर्विस कैंप, फिर ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप, फिर उसके बाद एडवांस लीडरशिप कोर्स, उसके बाद कोर्स एट हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूशन दार्जिलिंग एंड मनाली, उसके बाद क्या पैरा ट्रूपर्स कैंप, फिर अटैचमेंट रेगुलर आर्मी, फिर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कैंप एंड थाल सैनिक कैंप, उसका इंडिपेंडेंस डे कैंप IDC। इसका क्या वार्षिक प्रशिक्षण, देखिए एनुअल ट्रेनिंग कैंप में देखिए इस सभी का मुख्य उद्देश्य क्या था, कैडेट्स को सामूहिक रूप से EBO परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संबंधित प्रशिक्षण देना, देखिए कैडेट्स में नेतृत्व गुणों का विकास करना, और वार्षिक प्रशिक्षण में ड्रिल किट लोआउट और क्वार्टर गार्ड और फायरिंग में खेल संस्कृति कार्यक्रम आदि का प्रयोग आयोजित की जाती है। आगे चलते फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सीनियर अंडर ऑफिसर SU में, ठीक है, कम से कम 6 महीने अंडर ऑफिसर रहा हो तो वो बन वो कहता है। एनसीसी की परीक्षा देखिए ए बी और सी परीक्षाएं कहते हैं फरवरी मार्च में होती जाती है, ठीक है, मार्च में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें पात्रता क्या है देखिए ए प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, कम से कम उसने, ठीक है, 2 कैंप अटेंड किया हो, सॉरी 2 वर्ष की एनसीसी की हो, 1 कैंप किया हो, 75% किया हो उसके अटेंडेंस हो। बी के लिए भी फ्रेंड्स सेम है, ठीक है, कम से कम 2 वर्ष की एनसीसी की हो, उसके पास 75% उसकी हाजिरी हो, और क्या है कम से कम 1 कैंप अटेंड किया हो। सी के लिए क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, कि कम से कम 75% हाजिरी हो, 3 वर्ष का एनसीसी की हो, कम से कम 2 कैंप किया हो, ठीक है, और क्या नाम है 18 महीने से अधिक ना हो, उसमें ABC परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कैडेट्स को प्रतिवर्ष 45 वर्ष अंक मिलाकर 50% अंक लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेडिंग के लिए देख लीजिए फ्रेंड्स, ए ग्रेडिंग के लिए 80% या अधिक होंगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड के लिए 65% से अधिक और 80% से कम को, सी ग्रेड के लिए 50% से अधिक लेकिन 65% से कम। अच्छा, भूतपूर्व कैडेट्स को सुविधा देखिए, जो कैडेट्स ABC परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं ये कारणवश या परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, ऐसे कैडेट्स को अनुत्तीर्ण तिथि से NCC छोड़ने की तिथि से 18 माह के अंदर पुनः NCC में प्रवेश ले सकते हैं और एक्स कैडेट होकर परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, देखिए छात्रवृत्ति NCC में क्या क्या मिलता है, देखिए जो जूनियर डिवीजन विंग के होते हैं, जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं, 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलती है छात्रवृत्ति में। सीनियर डिवीजन में जो 10+2 जो उत्तीर्ण पास कर चुके होते हैं, 13,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। दूसरे क्षेत्रों में फ्रेंड्स देखिए, जो मतलब कि अलग कॉलेजों वगैरह में होते हैं, जिन्हें छात्र 66% लगाते हैं, 30,000 रुपये प्रति वो प्रदान की जाती है। अच्छा, पात्रता देखिए, 2 वर्षों में नियमित रूप से 80% प्रेम उपस्थित होना चाहिए। JDU में क्या 65% और SD में 65%। मुख्यमंत्री फंड से भी फ्रेंड्स वो दी जाती हैं कुछ कैडेट्स को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।